Yeah, I mean, that is the most right. वैसे हम चाह रहे थे कि हमारे पे छापे मौजूद होता रहता, आतंकवादी आके हम सोए हुए लोगों को खत्म कर देते। नॉर्मल बाइक भी इतनी बड़ी बाइक है, उसको अगर फाइट मास्टर कोई होता तो वो उसकी इतनी पापा करे तो बहुत सेफ है, बाहर नहीं चली जाएगी, बाहर ना निकल जाए, क्योंकि फाइट मास्टर होता है वो खड़ा होता है, करा रहा होता है, पापा करा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत इस मूवी से क्या लगता है? हमें लगता है ये समाज को जगाएगी, क्योंकि हमारे यूथ में नेगेटिविटी जो आ रही है उसको दूर करेगी, और देशभक्ति की भावना, और दूसरा है इसमें बेटियों की, कि जो बेटियों को दोयम दर्जा दिया जाता है, छोटी छोटी मंडियों में है, पहले भाई खाना खाता है, शुरू नहीं होती, भाई की बुक से बेटियां पढ़ती, बहुत जगह ऐसा है, महानगरों में पता नहीं उन चीज़ों का। तो हमें था कि हाँ, हमारे समाज में ये दिखाना जरूरी है कि बेटियाँ किसी से कम नहीं, तो हमने इसी बेटियों को अबला नहीं सबला बनाई, इतनी मजबूत बनाई है कि कोई उनके सामने आने से पहले 100 बार सोचे कि नहीं जाना, तो ऐसा होना चाहिए। फंड में यूज किया था, इस बार जो मूवी आएगी इससे आपके जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको आप कहाँ यूज करने वाले हैं? जी, जो हमें वो देते हैं मेहताना के, ये जो कि उससे हमने पिछली बार स्किल बैंक बनाया जो नॉर्थ का फर्स्ट। हाँ जी, बोलिए सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हाँ सर, चौथी मूवी बन के तैयार है, क्या कहना चाहेंगे? ये देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म है और इसे ज़रूर देखना चाहिए, और जो भी भारतीय है इसे ज़रूर देखेगा, जो आर्मी से प्यार करता है वो इसे ज़रूर देखेगा, जो आतंकवाद के खिलाफ है वो भी इसे ज़रूर देखेगा। तो हमें लगता है कि 10 फरवरी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, इंटरटेनमेंट से बहुत भरपूर है। सर, किस तरह की मूवी है? हर फिल्म आपका एक मैसेज देती है, एक हटके होती है, पब्लिक भी, ऑडियंस भी काफ़ी हटके है, पब्लिसिटी भी काफ़ी हटके हैं, और आप भी काफ़ी हटके हैं। ईश्वर की कृपा है। और ये देशभक्ति से ओतप्रोत है, इसमें देशभक्ति का बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा कि इसमें बेटियों के लिए बहुत मैसेज है, और इसमें एंटरटेनमेंट की अपने आप को फिट बना के रखिए, वो भी बहुत बातें इसमें आती हैं, आसन वगैरह या जो हमने इसमें स्टंट किए हैं, तो अगर ये स्टंट फिल्म कहें तो गलत नहीं होगी। सर, इसमें वन मैन शो हैं आप सिंगिंग का भी शौक रखते हैं, राइडिंग का भी, बाइक, हर चीज़ का शौक है, आपका स्टाइल भी बिल्कुल ही अलग है। जी 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 जी। तो क्या कहना चाहेंगे, सब चीज़ें कैसे आपके अंदर सब चीज़ मैनेज कर पाते हैं? हमें लगता है इसका श्रेय हमारे गुरु शास्त्री राम जी महाराज का है, जिन्होंने हमें 5 साल से शिक्षा दी, और उस ईश्वर का धन्यवाद है जिसने हमें ऐसा बनाया कि हम 30 नेशनल गेम खेलते हैं, हम इंटरनेशनल कोच हैं, बहुत प्लेयरों को कोचिंग दी जो आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, और 43 क्रेडिट इसमें निभा रहे हैं, तो ये ऑन द सेट ही हम सब करते हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है जो सब करवा लेते हैं। इस मूवी की बात करें, मुद्दा क्या है इसमें? सर्जिकल स्ट्राइक, मेन मुद्दा वही है कि जो आतंकवाद अटैक करता है निर्दोष लोगों पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक करते रहना चाहिए। कैसे जहन में आया आपको ये? अगर बात करें, आपकी बेटी ही इसको डायरेक्ट कर रही है, क्या कहना चाहिए? ये हम लोग लाइन हार्ट 1 जो पहले आई है उसका प्रमोशन कर रहे थे, तो हमसे लोग पूछ रहे थे गुरुजी आतंकवाद का हल क्या, उरी हमला तब हुआ था, तो हमने बोला था कि भाई कोई क्यों ना हम छापे मारे युद्ध करें, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो अगले दिन हमारा इंटरव्यू था जी न्यूज़ पे, तो वहाँ सुधीर चौधरी करके पत्रकार सज्जन है, काफ़ी सीनियर हैं, तो उनसे बैठे बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं गुरुजी आप सर्जिकल स्ट्राइक पे क्यों नहीं मूवी बनाते, कि कोई और बनाएगा 3 साल लगेंगे, आपके लिए महीने का काम है। तो बस ख्याल में आया और 1 महीने में फिल्म बन के तैयार हो गई। कितना मुश्किल था आपके लिए?
क्योंकि आप कोई स्टंटमैन यूज नहीं करते हैं, रियल लोकेशन शूट करते हैं, स्टंट खुद करते हैं, कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था कि एक रियल स्टोरी टाइप ही है कि एक आर्मी मैन की भूमिका निभानी है, तो हमने काफ़ी मेजर कर्नल, आम आर्मी मैन से, कमांडो से बातचीत की, बहुत देर की बारीकी से स्टडी की दोनों ने, प्लेयर तो हम दोनों ही हैं बाप बेटी, तो था कि हाँ सब कर लेंगे। और फिर जब वो भूमिका करनी और वो लोकेशन वैसी होनी चाहिए, उसमें जब जाना और झाड़ियाँ कांटे ये वो, तो सब कुछ करने में परेशानी तो आती है, लेकिन जब बन के तैयार हुआ तो लगा हाँ कि हमने बहुत अच्छा किया। दर्शक जानना चाहिए कहाँ पे आपने शूट किया और क्या रियल लोकेशन था? ये राजस्थान है, हरियाणा है और हिमाचल, हमने अपने देश की ही लोकेशन चुनी है क्योंकि यहाँ लोकेशनों की भरमार है हमारे देश में अगर उसे देखा जाए तो, और बहुत ही अच्छी जगह है। आपका किरदार क्या है, क्या नाम है आपके किरदार का? इसमें शेरे हिंद हम, जी शेरे हिंद, हिंद का शेर, तो ये टॉप सीक्रेट एजेंट है जो सर्जिकल स्ट्राइक में साथ देता है, लेकिन जब देखता है कि आतंकवाद फिर भी ख़त्म नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान में जाके उन सिर्फ चुन चुन के आतंकवादियों को मारता है और उन्हें चेंज कर देता है टोटली लास्ट में कि वो अच्छे नागरिक बन जाते हैं। आपका पूरा नाम सर ने? मेरा नाम हनीप्रीत इंसा है। इसमें आपका क्या किरदार है? मैं पापा के साथ ऐसे बिहाइंड द कैमरा एज अ डायरेक्टर हूँ और इसमें कमांडो साथ में कमांडो हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा पापा को ये आप डायरेक्ट कर रहे थे कि पूरी टीम ही घर पे है, हीरो सब चीज़ें घर पे है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जब पूरी टीम घर की हो तो फिर कंफर्टेबल जोन तो होता ही है, तो वैसा कंफर्टेबल जोन था। कोई ऐसा वाक्या बताएंगे मूवी के दौरान जो आपको लगा कि पापा को बोले नहीं बोले डायरेक्शन में जाते? ऐसा कोई चीज़ नहीं है क्योंकि पापा से ऐसे हेजिटेशन नहीं है मुझे, पापा ऐसे फ्रेंड भी हैं, तो जब एक्टर होते थे तो एज एक्टर की तरह ही मुझे लगते थे, तो ऐसी कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं हुई कि भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा और मुझे हेजिटेट होना पड़ेगा। पहली बार आपको कब लगे पापा एक अच्छे हीरो हैं? जब केदार ऐसे कमांडो में तो पापा को देखा ही था, लास्ट टाइम भी देखा था, जब पापा ने एक और इसमें अलग अलग करेक्टर्स में आए, अलग अलग रूप धारण किए क्योंकि कमांडो हैं तो टॉप सीक्रेट है तो पाकिस्तान में जाते हैं, तो पाकिस्तान में जाने के बाद जो अलग एक करेक्टर निभाया तो उसकी जब उन अपनी आवाज़ निकाली और अपना पूरा माउथ का एक्सप्रेशन, पूरे फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए लिप्स को बाहर निकाल के, तो मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये पापा कहाँ से निकाल के लाते हैं अंदर अंदर से, तो वो मुझे बहुत हैरानी वाला वाक्य था। आपको अपने पापा के अंदर ही सब सुपरस्टार दिखते हैं, चाहे शाहरुख सलमान कोई भी हो, सब तो आपने सोचा कि इस फिल्म में इसके पापा के साथ किसी और स्टार को लेना चाहिए, कभी ध्यान में आया आपको? नहीं, अभी कभी ऐसे सोचा नहीं है क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं ऐसा कोई है कि जो पापा के साथ कम्पीट कर सके। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे बेटी की बात को लेकर? वैसे तो ये होता ही है कि बेटियाँ जो हैं वो अपने माँ बाप के लिए जितना सोचती हैं शायद ही कोई सोच पाए। बाकी जो इसने देखा है कि हम जब 30 नेशनल गेम आज भी खेलते हैं और सामने नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर होते हैं, जब हम उनको हराते तो इनको ये लगता है कि नहीं पापा जब बेस्ट हैं तो उसको बेस्ट कहने में हर्ज क्या है। तो एज ए एक्टिंग भी इनको बहुत अच्छा लगता है, जब हमने एक्टिंग की है इसमें 8-10 किरदार निभाए हैं हमने चेंज कर करके अपने आप को, पर ये बेटियां कई बार ऐसी बातें भी करती हैं कि जैसे इसमें रोमांस किया है कि भाई उसमें ये तीनों बेटियां बैठ जाती हैं, वो फलां हीरोइन चाहिए, जैसे इस बार ये बैठी हुई थी और हमने चुपके से इनकी बात सुन ली कि भाई एक एल्बम बनाते हैं म्यूज़िक एल्बम और उसमें हम ऐश्वर्या राय को लेके आएंगे, दूसरी कहती नहीं उसको लेके आएंगे, तो ऐसी बातें ये लोग करते रहते हैं। आपने भक्तों का दिल जीत लिया है, इस फिल्म का प्रमोशन बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है, हमने खुद देखा है आपके जो भक्त है अगर 5,000 रुपये कमाते हैं तो 4,000 रुपये वो मूवी की टिकट खरीद के फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं, उनको पानी नाश्ता चाय सब देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस सब जगह ऐसा नहीं है क्योंकि अब तो मूवी विदेशों में भी पूरी छाई, पिछली बार जो लायन हार्ट आई थी तो उसमें ट्रेलर जो थे वो यूरोप में टॉप 15 में उसने ट्रेंड किया है लगातार, और अब वो फिल्म वहाँ बर्लिन फेस्टिवल के लिए भी चुनी गई है, यूरोप में भी चुनी गई, कई जगह और भी है, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उस मूवी को देख रही है। क्योंकि हम पेरिस में गए थे, हम पहले कभी नहीं गए थे, सत्संग भी कभी नहीं किया, जैसे हम गए हालांकि हम इस रूप में नहीं थे एक्टर के रूप में, तो लोग हमसे सेल्फी करवा रहे थे वहाँ के लोग, जबकि अपने इधर इंडियन कह रहे थे कि गुरुजी ये सेल्फी किसी से नहीं करवाते जो पेरिस के लोग हैं, तो लेकिन वहाँ उल्टी गंगा वाली बात हुई। तो हमें लगता है खुशी होती है कि हाँ यूथ को हम बांधना चाहते हैं, और यही बात कि वो लोग जो पैसा खर्च करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
रोड के किनारे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं होता, या कोई बीमार है, तो उनको वो मूवी इसलिए दिखाते हैं कि हाँ उनको देखने से उनका लाइफ चेंज हो जाए, शायद वो भी अच्छे नेक इंसान बन जाए। ऐसी पब्लिसिटी, ऐसी भावना हम आप लोगों ने अपने कूट कूट कर भर दिया अपने भक्तों में, तो कितना अच्छा लगता है जब आप एक देखते हैं क्राउड पूरा भरा रहता है सिनेमा घर जो है। जी बड़ा अच्छा लगता है कि जो भावना हमने भरी थी तो उसमें से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने ब्लड डोनेशन के, आई डोनेट, बॉडी डोनेट, जीते जी जो गुर्दा डोनेट करते हैं, तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसा करने वाले, और हमें बड़ी खुशी है कि वो 129 वेलफेयर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें फिल्म को भी वो उसी रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल भी जुड़े हुए हैं, अकाली को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी लाइफ में एक ही चीज़ नहीं है, वो है राजनीति। बाकी हर कार्य में हमने अच्छे काम क्षेत्र में सफलता हासिल की है। राजनीति, क्योंकि घर बहुत बड़ा था हमारा जब हम गुरु नहीं बने थे, बहुत लोग आए सरपंच बनो, MLA बनो, MP बनो, हमने कहा ना भाई ये काम नहीं। अब भी सारी पार्टियां आती हैं, आशीर्वाद हम देते हैं, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपने मुद्दे रखे होंगे तभी भाजपा और अकाली दल को उन्होंने सपोर्ट किया होगा। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मोदी जी के लिए पर्सनल अगर हम बात करें अपने, तो हमें लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। एक तो वो काम किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो अपने माता के चरणों में बैठे, फिर हमने बेटी बचाओ आंदोलन चला रखा था 92 से, तो उन्होंने उसको भी अपनाया, बेटियों को बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर सफाई महाअभियान हमने 2011 में शुरू किया था वो भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो देश के लिए ज़रूरी चीज़ है वो करते जा रहे हैं, जैसे अभी अभी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने नोटों पर किए, हालांकि आम जनता को भी परेशानी आई। तो जब देश गुलाम था उसको आज़ाद करने में तब भी आम जनता को परेशानी तो आई थी, तो ये काले धन में जो गुलामी थी तो परेशानी तो आती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और हमें लगता है मोदी जी आने वाले समय में देश के लिए अच्छा करेंगे। वर्दी की राज क्या है? ये वर्दी जो है एक कमांडो, एक फख्र होता है इसको पहन के, हम ये कहा करते हैं, और जब हमने खुद पहनी और बेटी ने पहनी तो वाकई ऐसा लगा कि हाँ वाकई वाकई इसको पहनते ही एक नया जोश और एक ऐसा देश का गर्व होता है कि हाँ मैं अपने देश का एक प्रतिनिधि हूँ, देश को बचाने के लिए आगे जा रहा हूँ। मूंछों की बात करें, मूंछों पे जो काफी ताव है चश्मे से ऊपर जा रही है मूंछें, क्या कहना चाहेंगे? स्टोरी की डिमांड थी या फिर आपकी डिमांड थी? नहीं नहीं, स्टोरी की नहीं, एक्चुअली हमें था कि भी कुछ नया सा करेक्टर हो, तो ये पापा ने ही निकाला है, पापा ने डिजाइन किया, हमने तो बहुत सर्च किया हमसे मिला नहीं, तो ये पापा ने ही डिजाइन किया हुआ, इससे और ज्यादा रोबीला और इस ड्रेस को और ज्यादा ब्यूटी मिल रही है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ज्यादा थे आप दर्शकों कि हमें देशभक्ति की भावना को कभी मरने नहीं देना चाहिए और कभी नशा ना करें बल्कि स्ट्रांग बने। देशभक्ति है, अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोई आतंकवादी आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, क्योंकि वो सोए हुए को भी नहीं मारेगा, सबको पता होता है सोया हुआ शेर भी बड़ा डेंजर होता है। थैंक यू। एक फोटो ले मौसी।